झापड़ी का बेटी और कला लड़की। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या चल रहा है सबके? आई होप आप लोग अच्छे हो। और आज है नवरात्रि का डे टू, भाई के जिम का डे टू, और अभी बज रहे हैं 10, और अभी फटाक से चलेंगे जिम, निकलेंगे और कोशिश करेंगे 1 घंटा तो मिनिमम जिम में बिताया जाए, एक्टिविटीज की जाए और अपने को मजबूत किया जाए। सो भाइयों, जस्ट पूजा करके उठाऊँ, अभी जल बल दे दिया है, तब तक गार्ड आ गए थे तो गाड़ी जहाँ खड़ी है वहाँ कुछ शायद कंस्ट्रक्शन हो रहा है। माता रानी के आशीर्वाद से व्रत भी अच्छा जा रहा है और जिम भी अच्छा जा रहा है। कोशिश आज तो जिम में थोड़ा सा यार मेरे को डिजी सा फील हुआ, तो मैंने वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ, 9 दिन तक मैं बहुत नॉर्मल ही रखूँगा। और सरप्राइजिंगली बंटी गायब हो गया है यार, वो सुबह 5 बजे आने वाला था और वो न फ़ोन उठा रहा है न कुछ, और हमको सुबह से परेशान है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँगा, कोई दोस्त को कुछ पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ पूरा सीन। यहीं लगाऊंगा, यहाँ छाँव मिलती। हुआ क्या था कि बंटी को कहीं जाना था और वहाँ से उसे 5 बजे था, 5 बजे मैं बोला भी कि मैं आ जाऊँ लेने, बोला नहीं, और उसके बाद जो लौंडा गायब है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही करूँगा, ना फ़ोन उठा रहा है ना कुछ, परेशानी बहुत है भाई, देख रहे हो तो आ जाओ। तो भाई वो बहुत ज़्यादा हो गई है दिक्कत, बंटी जो है वो मिसिंग चल रहा है, वो आया नहीं सुबह जब मैं उठा। सुबह मैंने उसको 2 बार कॉल करा, 3 बार तो शायद एक या 2 बार कॉल गई भी, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद क्या हुआ है कि फ़ोन ही ऑफ है, और न घर पे उसने बताया ना कुछ, यार उसको उठा कौन ले जा सकता है, मुझे हो रही टेंशन। तुम लोग कह रहे हो हंस रहा हूँ, लेकिन टेंशन में मैं थोड़ा हंसता हूँ। अब रीज़न ये यार, अगर कल को दोस्त यार कोई मुसीबत में, तो आपको और बुरा लगता है कि उसने कॉल नहीं किया, समझ रहे हो? मैं चाह रहा हूँ एक बार उसकी लोकेशन पता चल जाए मुझे बंटी की, और मेरे से एक गलती ये हो गई, नर्वसनेस में मैंने सबको फ़ोन मिलाया, खुशी को मिलाया, खुशी ने मेरा फ़ोन उठाया, फिर मैंने आंटी जी को मिलाया, मैं कहा देयर माइट बी एनी अपडेट, आंटी जी को बता, क्योंकि आंटी जी से वो अच्छी बॉन्ड शेयर करता है, मतलब अंकल जी से भी करता है, बट छोटे लड़के मम्मी से ज़्यादा। तो यार आंटी जी परेशान हो गई, अब मुझे दिक्कत हो रही है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर मिल जाएगा ना बहुत मारूंगा आज बंटी को, इतना मारूंगा ना भाइयों कोई हद नहीं। एक बार उसको कॉल आने दो, जिस तरीके से वो परेशान कर रहा है ना, कूटा जाएगा वो। आंटी जी आप भी अगर देख रहे, कूटिएगा जरूर इसके बाद। ये बंटी तो मिला नहीं, चल रहे ऑफिस में, फिर देखते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन, अबे बंटी खो गया है यार, नहीं क्या हो गया, बंटी खो गया है, कहाँ खो गया? तो भाइयों ऑफिस में कुछ कुछ हो रही है चीज़ें, अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ धमाकेदार चीज़ें, रुको देखते जाओ। What does quality awareness really means in a team? Okay, so as we all are aware that IPL season is going, exactly correct? Okay. So in IPL, batsman, after that, analyzing those things, he can swing the bat and he can make a six or give a catch to the fielder at the boundary line. So like somewhat same process we follow in. क्वालिटी,
क्वालिटी और क्वालिटी जल्दी कर, सुबह पनवेल भी निकलना है। करता हूँ करता। एक लड़का था दीवाना सा, क्वालिटी क्वालिटी करता था। जब भी मुझसे मिलता था फेटल की बातें करता था। कहना चाहता था कुछ जो समझ से परे था, पर पहनता हमेशा हरा था। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की वार से, हम क्वालिटी सुधारेंगे एक क्वालिटी टूल के औजार से। ओम साई राम, मुझे माफ करना। ओम साई राम, सबसे पहले लूंगा प्रभु क्वालिटी का नाम। सबसे पहले लूंगा प्रभु क्वालिटी का। उलाला तू है मेरी क्वालिटी। सावधानी हड्डी, सावधानी हड्डी, दुर्घटना हड्डी। अगर हम काम सही से नहीं करेंगे तो दुर्घटना तो हो ही चुकी है। और वो काम पहले अच्छे से करना है। मेंटेन रखने का चर्चा बना रखा है, निगरानी काफी गहरी रखी है, क्वालिटी मेंटेन रखने का चर्चा बना रखा है। माँ बाप जैसे फिक्र करते हैं किसी बच्चे की, वैसे ही क्वालिटी मैनेजमेंट ने SWO का दर्जा बढ़ा रखा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। कोई से नहीं, जबरदस्त। Quality is the backbone of any organization or any process, right? Totally. Definitely, rocket science like A, B, Theta, Gamma, you know, monomer and everything of that sort. I know volume, SLA, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मगर एटलीस्ट वी हैव टू स्ट्राइव बिटवीन फ्रॉम, वी हैव टू स्ट्राइव फ्रॉम, इनसे नहीं हो पाएगा टू। रिपीट आफ्टर मी, कैन वी, कैन वी रिपीट आफ्टर मी, इनसे ही हो पाएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सच लव यू ऑडियंस। गुड इवनिंग। Purchase order and contract. Our poster is focused on all three major services that quality is to be maintained. As you can see, our poster is basically focused having three parameters, that is circle. As we all know that quality is a continuous process. Here, as I said, that there our vision should be long term, and we are working on three business services, that is order entry, purchase order and contracting. Because as we all live in a very fast paced society, so we have to ensure that, you know, we deliver it on time. We want that quality should be achieved in the very first time in a writing manner. Non-stop, continuously striving at the right points. I just remembered the song by Indian Ocean, Tu Kisi Rail Se Guzar.
हमारी क्वालिटी ऐसी है कि हर ऑडिट से हम निकले हमारे कॉम्पिटिटर का सारे बाजार दम निकले। तो भाइयों आ चुके हम लोग घर और सीन कुछ ऐसा है यार कि बंटी ने तो आज पूरा दिन वो कर दिया है बिजी। तो सीन ऐसे होता है कि जैसा तुम लोगों को पता है कि बंटी नहीं मिल रहा है और हुआ क्या फिर कि भैया को मैंने बोला, आंटी जी से तो पूछ लिया था, आंटी जी को भी कोई पता नहीं था, खुशी को भी कुछ पता नहीं था, फिर भैया को बोला तो भैया गया था बंटी के यहाँ, बेल बजाया वो आधे घंटे तक, फिर भी नहीं हुआ। गाड़ी हाउएवर हमने चेक कराई तो पार्किंग में ही खड़ी थी। तो पता ये चला कि भाई साहब किसी काम से दिल्ली आए हुए थे, ठीक है, और उन्होंने बोला था कि यहाँ आएंगे लेकिन किसी परिस्थिति बस वो वापस चले गए, तो वहाँ सो गए वो। और बंटी रात में उठा है 7 बजे, सुबह सोया है 6 बजे, उठा है 7 बजे, घोड़ों की तरह सोया है और मुझसे कह रहा है, माफ़ी तो खैर मांगा ही और आंटी जी भी डांटी उसको, लेकिन कुल मिला कि ये कि भाई परेशान कर दिया। और एक बार को तो मुझे लगा कि मुझे जाके पुलिस रिपोर्ट लिखवा ही देनी चाहिए, आखिर है ही कौन इसका दिल्ली NCR में मेरे सिवा। तो अपना मित्र का धर्म निभाते निभाते मैंने सोचा, बट फिर लकली इसका कॉल बैक आ गया था 7 o'clock के अराउंड कि भाई मैं सो रहा था, बहुत सुना है भाई, जी भर के सुना है, जितना भूखा था मैं उतना सुना डाला उसको। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही प्यार बनाए रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।